32 और 36 में क्या डिफरेंसेस होते हैं? अच्छा, इस मशीनों को हम लगातार कितना देर तक चला सकते हैं? लगातार आप 10-12 घंटे 14 घंटे भी चला सकते हैं। एक प्रोसेस होता है तो उसके हिसाब से अगर आप सिंगल एक मशीन लोगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन जैसे 8-10 तो ये मान लीजिए हम कटिंग कर रहे हैं तो हाथ आगे आएगा तो रुक जाएगी मशीन। अच्छा, इसका ये प्लस। नमस्कार, मैं हूं मनन गोस्वामी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। साथियों, अभी हम मौजूद हैं अमृतसर में और आज आपको दिखाने वाले हैं कि नोटबुक मेकिंग मशीन की जो मशीनें देखते हैं वो आखिर में बनाई कैसे जाती है, किन किन बातों पे ध्यान दिया जाता है। और हम लोग अक्सर हर वीडियो में कहते हैं कि हम ऐसी मशीनें बनाते हैं जो दादा लगाए और पोता चलाए। तो हम अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मशीनें बनाते हैं। जैसे कुछ मशीनें हम गुजरात से भी बनवाते हैं और कुछ मशीनें अमृतसर से, और कुछ मशीनें हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और कुछ मशीनें हम खुद इंपोर्ट करते हैं। काफ़ी हम मशीनों पर ध्यान देते हैं कि किस तरीके से मशीन बेस्ट क्वालिटी की कैसे होगी, उस पर हम लोग काफ़ी फोकस करते हैं। आज हमारे साथ हमारे बिजनेस पार्टनर हरमीत सिंह जी। हरमीत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको इस वीडियो में। हम सबसे पहले आप जानना चाहेंगे कि नोटबुक मेकिंग मशीन जो होती है उसको कैसे बनाते हैं और कैसे हम बेस्ट क्वालिटी बनाते हैं, और औरों से क्या अलग है जिस पे हम लोग काफ़ी ध्यान देते हैं। हमारे व्यूअर सभी जानते हैं कि हम मशीनें जो हैं, हमेशा हम कहा करते हैं कि हम मशीनें ऐसी बनाते हैं कि दादा लगाए और पोता चलाए। मशीन, हम जानते हैं कि मशीन ही जो है इंसान का रिश्ता जो है और मजबूत करेगा। जितनी अच्छी मशीन रहेगी उतना ही रिश्ता मजबूत होगा। तो आप हमारे देखिए, नोटबुक मेकिंग मशीन के लिए जैसे हम शुरू से शुरू करें तो ऐसे रॉ मटेरियल हमारे पास यहाँ दिखाते जाइए आप, शुरू से अगर शुरुआत करेंगे इस तरीके से मटेरियल हमारे पास आता है। इसके बाद इसके ऊपर मशीनिंग वर्क होता है, ठेला फिर जो आया है, हाँ हाँ, वो सारा वैसे ही रॉ मटेरियल आएगा, वो ऐसे फिनिशिंग होके और आगे ऐसे इस तरीके से फिनिशिंग होता है, आगे ऐसे बनता रहेगा ऐसे। बाद में इसके ऊपर मशीनिंग काम करने के बाद ये देखिए, जैसे ये आइए इधर आइए, इसको ये सेमी फिनिश है, ये आधा बन चुका है और इसको बाद में हम पेंट करके ऐसे, जैसे ये पेंट हो चुका है। ये कितने इंच की मशीन है? ये 20 इंच की कटिंग है जी, ये छोटा साइज, स्टैंडर्ड साइज से थोड़ा छोटा और हल्का होता है, पोर्टेबल। तो मुझे लगता है जो लोग कम पूंजी में स्टार्ट करना चाहते हैं नोटबुक का बिजनेस, उनके लिए बेस्ट है। साइज इसका छोटा है और एक तो जगह भी कम घेरेगा और इसका बजट भी थोड़ा कम हो जाता है। और ये स्टैंडर्ड साइज आ जाएगा, ये 32 इंच, ये 32 इंच की साइज है, वो 20 इंच है, ये 32 इंच है। कागज़ कटिंग के लिए अलग अलग साइजें होती हैं, जिनको बड़े मात्रा में काम करना है उसको 32 और इससे भी अलग अलग साइज की आती है। 36 इंच साइज आएगा। जैसे सामने मौजूद ये मौजूद है, 32 और 36 में क्या डिफरेंसेस होते हैं? डिफरेंस ये है कि 32 इंच कटिंग जो 32 इंच कटिंग है उसमें सिर्फ 32 इंच का पेपर जाएगा। मैक्सिमम आप जो कट कर सकते हो 32x32 होता है लेंथ और विड्थ, और 36 में चौड़ा भी पेपर रहे तो इससे काट सकते हैं। हाँ, चौड़ा अगर उससे 32 से ज़्यादा साइज आपके पास पेपर आ रहा है तो वो 36 में कटेगा, वो उसके लिए फिर 36 इंच की मशीन लेनी पड़ती है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है उसमें। उसमें आप बॉक्स भी, बॉक्स मेकिंग का काम अगर करना है आपने, गत्ता भी काट सकते हो आप, ये डिफरेंस होता है उसमें। कार्टून जो, हाँ जी, कार्टून वगैरह। और इसका प्रोसेस ये होता है कि ये दाब है मशीन की, इसको ऐसे नीचे पेपर रख के ऐसे दबा के, और फिर ये ब्लेड नीचे आएगा, जब हम हैंडल खींचेंगे ब्लेड नीचे आएगा तो कटिंग करके वो आपका जो फिनिश पेपर की क्वालिटी जो फिनिश है वो कर देगी। कई सारी वीडियो में हम लोग दिखाए हुए हैं कि कैसे कागज़ कटिंग करता है। आज हम लोग बात करेंगे मशीन के बारे में, मशीन पे स्पेशली हम लोग कैसे फोकस करते हैं जो बेस्ट क्वालिटी होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर, ये बेस्ट क्वालिटी है इसमें। बाकी ये मशीन जो है इस टाइम ये सामने खड़ी है, इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि इसका जो क्लच है, क्लच सिस्टम सारा, ये देखिए इसके ऊपर बैरिंग माउंटेड है ये जैसे, और इसमें सारा लेदर टाइप क्लच लगेगा, जो ब्रेक शू जैसे हमारी गाड़ियों में होते हैं वो वाला सिस्टम इसमें लगा। लेकिन नॉर्मली आप जो लोगे नॉर्मल क्लच वाली भी मशीन ले सकते हो। जो लोग नए लोग रहते हैं जो मशीन परचेज करते हैं उनको किन किन बातों पे ध्यान देनी चाहिए? उनको मशीन के क्वालिटी और एक्यूरेसी पे ध्यान देना चाहिए जी। जैसे 32 इंच की जो मशीन है ये क्वालिटी, मतलब जैसे आम लोग तो जानते नहीं है कि कैसे हम केयर करेंगे। देखिए 32 इंच में भी एक ये दो स्लॉट भी आएगी, लेकिन नोटबुक के लिए 4 स्लॉट मशीन, ये जैसे ये 4 स्लॉट है, 1, 2, 3, 4, ये 4 स्लॉट है, और बैक साइड पे आप देखोगे तो इसमें ये डबल स्लॉट होगी। अच्छा, पीछे से भी जैसे ये डबल स्लॉट। अच्छा, ये इसमें एक और दो स्लॉट है, तो ये हैवी ड्यूटी है, इसमें एक सिंगल स्लॉट प्लेट और ये जो है डबल स्लॉट भी आती है।
मतलब इसमें थोड़ा सा अलाइनमेंट में फर्क पड़ता है। मतलब इस मशीनों को हम लगातार कितना देर तक चला सकते हैं? लगातार आप 10-12 घंटे 14 घंटे भी चला सकते हैं, डबल शिफ्ट में काम कर सकते हो आप। ये कितना वजन होता है इसका? 32 इंच कटिंग का 1000 केजी के करीब होगा, 1000 केजी अप्रॉक्सीमेट, 1 टन के जी। ये हम लोग कारखाने में मौजूद है, इधर देखेंगे, यहाँ पे लेथ मशीन है और इधर भी काम चल रहा है। थोड़ा सा इन सब मशीनों की क्या अहमियत है थोड़ा सा ये भी बताते जाएंगे। इन मशीनों के ऊपर जो हमारे पास रॉ मटेरियल आता है, कच्चा लोहा आता है। अच्छा, जो उधर हम लोग दिखाए जो शुरुआत में, यहाँ दिखाइए, ये ये जो लोहा होता है इसको सारा टर्न किया जाता है इसको। ये जैसे ये फिनिशिंग हो रहा है, ये फिनिशिंग इसके ऊपर होती है, देखिए सामने ये फिनिशिंग हो रही है। जो कच्चा लोहा आता है उसकी फिनिशिंग करके मशीन के अलग अलग पार्ट्स बनाए जाते हैं, एक्यूरेट करके उसके लिए फिटिंग किया जाता है। काफ़ी हैवी वर्क है, एक मशीन बनाने में लगभग कितना दिन लग जाता है? देखिए सर, ये प्रोसेस मेकिंग है, बिल्कुल प्रोडक्शन का एक प्रोसेस होता है। हाँ। तो उसके हिसाब से अगर आप सिंगल एक मशीन लोगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन जैसे 8-10 मशीन का प्रोसेस होता है। हाँ। कोई सेमी फिनिश्ड है, कोई अभी स्टार्टिंग है, तो ऐसे करके करीबन करीबन लगाओ आप एक हफ्ता लग जाता है एक मशीन में। हम आगे भी 10 दिन का टाइम लगेगा। नोटबुक बनाने में करीब करीब 3-4 वैरायटी की मशीनें लगती हैं, जैसे कटिंग मशीन हो गया, स्टिचिंग मशीन हो गया, एज स्क्वायरिंग मशीन हो गया, स्पाइरल मशीन हो गया, और उसके बाद पैकिंग मशीन होता है। हम आगे चल के और दिखाते हैं कि स्टिचिंग मशीन कैसे बनता है और उस पर क्या क्या। अभी हम आ चुके हैं अंदर प्लांट में और यहाँ दिखाएँगे, ये सेमी ऑटोमेटिक बोलते हैं, सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, और इसकी क्या खासियत है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं ऑटोमेटिक मशीन खोजते हैं और इसमें शायद सेंसर लगा हुआ रहता है, हाथ वगैरह जाए तो ब्लेड रुक जाता है ऑटोमेटिक। क्या इसमें अलग डिफरेंसेस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि सारी मशीन इस पैनल से सारी ऑपरेट होगी। जैसे ये आपका आ गया सामने मेन मोटर आ गई, फिर ये बैक गेज जो पेपर को बड़ा छोटा काटना है तो मैनुअल मशीन में हाथ से घुमाना पड़ता है, लेकिन ये रिवर्स फॉरवर्ड का स्विच आ गया तो ये आपको हाथ से मैनुअल काम नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ स्विच ही प्रेस करना है। जैसे ये देखिए, ये पेपर आगे जा रहा है पीछे जा रहा है ऐसे, और फिर इसमें क्लैंप भी है जो उस मशीन में मतलब हाथ से आपको नीचे करना पड़ेगा पेपर को दबाने के लिए, इसमें सिर्फ आपको स्विच दबाना है। और ये तो उस मशीन से भी ज़्यादा इजी है। हाँ, उससे ज़्यादा इजी है और इसमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा है इसकी। प्रोडक्शन इसका 8 घंटे का अगर बात करें तो कितनी कॉपियाँ बना सकती है? 8 घंटे में आप करीबन करीबन 4-5 हज़ार कॉपी, 6 हज़ार कॉपी बना सकते हो। बाकी ऑपरेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी फास्ट पेपर लगाएगा, कितनी फास्ट पेपर निकाल के उसको फिनिश करेगा। मतलब ऑपरेटर जो है अगर जानकार है तो 8-9 हज़ार कॉपी आराम से बना लेगा। हाँ, बना लेगा सर। अभी ये देखिए, ये मेन मोटर ऑन कर दी हमने, तो ये मान लीजिए हम कटिंग कर रहे हैं तो हाथ आगे आएगा तो रुक जाएगी मशीन। अच्छा, इसका ये प्लस पॉइंट है, इसमें सेंसर है। बहुत सारे लोग कटिंग मशीन देख करके डरते होंगे कि भाई ब्लेड लगा रहता है और बहुत खतरनाक ब्लेड है, उनके लिए ये खासकर मशीन होने वाला है। इस मशीन की खासियत ये है कि जैसे आगे अगर हाथ अगर जाता है, जैसे ब्लेड चालू कर दिए, एक सेकंड, जैसे ये आगे आ गया, ये मैंने ब्लेड दबाया, जैसे जाएगा अगर हाथ तो रुक जाएगा, ऑटोमेटिक रुक जाएगा, हाथ पीछे करेंगे फिर ही चलेंगे, फिर कट होगा। बहुत सारे लोग ब्लेड देख करके डरते रहते हैं, उनके लिए बढ़िया मशीन होने वाली है। ये साइज क्या है इसका? इसका साइज 33 और 37 दोनों आते हैं, ये 37 इंच है। आप लोग जानते ही हैं मशीन अगर उसमें सुविधा अगर ज़्यादा रहेगा तो कॉस्ट भी ज़्यादा रहेगा, कॉस्ट पे हम लोग बात करेंगे। डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा, आप डिटेल उस पर चर्चा करिए। इस सेम मशीन है दोनों? ये सेम 37 है दोनों। तो ये आप जैसा भी मशीन लगाएं, सेमी ऑटोमेटिक लगाएं, ऑटोमेटिक लगाएं, और इधर एज स्क्वायरिंग, ये बंद रही है मशीन, ये हाइड्रोलिक है, इसमें क्लैंप जो है आपको हाथ से ऊपर मोटर नहीं लगी हुई, ये आप एक ही स्विच प्रेस करोगे अपने आप ही प्रेस करके क्लैंप को भी, और ब्लेड एक साथ ही आएगा इसमें। हाँ जी, ये अभी बनने के लिए तैयार है मशीन, और ये काफ़ी ही वजन वाला होता है मशीन। हाँ जी, इसका करीबन 2 टन के करीब वजन है। 2 टन के करीब? 2000 किलो। तो ये 2000 किलो? हाँ जी, इसको इसके लिए तो क्रेन ही मंगाना पड़ता है। चलिए हम अगले गोदाम में चलते हैं और दिखाते हैं कि एज स्क्वायरिंग और एजिंग मशीन किस तरीके से। इधर रॉ मटेरियल रखा हुआ है, हम चाहेंगे आप इसको दिखाइए। इस तरीके से जमा जमाया लोहा आता है और उसको इस लेथ मशीन के माध्यम से, ये जो सामने लेथ मशीन है उसके माध्यम से इस तरीके से मशीन बन के तैयार होती है, उसके बाद आप लोगों के पास पहुँचती है।
हम चलते हैं अंदर गोदाम में और रेज स्क्वायरिंग और स्टिचिंग मशीन देखते हैं किस तरीके से उस पर क्या क्या ध्यान दिया जाता है। तो प्लांट से मशीनें बन के और यहाँ गोदाम में आ करके मशीन रख दिया जाता है और इस तरीके से पैकिंग करके हम लोग जो पार्टी के यहाँ भिजवाना रहता है यहीं से जो लोग दूर से रहते हैं उनको यहीं से डिस्पैच करते हैं, जो गोपालगंज से नज़दीक से हैं उनको हम गोदाम से अपने मशीनरी मगध मशीनरी से डिलीवरी देते हैं। ये देखेंगे एज स्क्वायरिंग मशीन है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये कॉपी की बैक को स्क्वायर करने के लिए होती है, कॉपी की जो फिनिशिंग है बैक स्क्वायर करके उसको कंप्रेस कर देती है और उसको बार बार कॉपी जो है खुलेगी नहीं, आपकी एक शेप में आ जाती है। कॉपी अगर सिंपल भाषा में कहें तो कॉपी का जो पीछे वाला पोर्शन होता है उसको चौरस करता है ये मशीन। और ये काफ़ी कितना देर में एक बार में 8-10 कॉपी आप रखोगे डबल प्रिंट हुई तो कर देगी एक बार में। कितना देर में करती है, 5-6 सेकेंड? हाँ, 4-5 सेकेंड। 4-5 सेकेंड में ये एज स्क्वायरिंग करके निकाल देती है। ये मगध मशीनरी का ही है, पैकिंग हो चुका है पार्टी के यहाँ जाने के लिए। और काफ़ी हम लोग उस तरीके से जो लकड़ी का बॉक्स देख रहे हैं उस तरीके से पैकिंग करते हैं ताकि सुरक्षित आपके घर पे पहुँच जाए। और कौन कौन सा मशीन है हम लोग जो भेजते हैं थोड़ा सा बताएं। फाइल वाली जो कॉपी होती है ये स्पाइरल मशीन है, अलग अलग वैरायटी है। ये क्या अंतर है, ये मैनुअल है? इसमें थोड़ा मॉडल का डिफरेंस है, ये मैनुअल मशीन या फुट ऑपरेटेड, ये आप देखोगे तो इसका मॉडल थोड़ा चेंज है और इसका थोड़ा शेप अलग है, वो थोड़ा हैवी ड्यूटी है। बहुत सारे लोग मैनुअल मशीन खोजते हैं क्योंकि फ्रेंडली थोड़ा होता है लेकिन प्रोडक्शन कम होता है, इसलिए ऑटोमेटिक लगाना चाहिए जिसमें मोटराइज हो। करीबन 15-20 पेपर एक बार में होंगे और अगर आप ऑटोमेटिक लोगे उसमें 40-50 के करीब शीट हो जाएगी, 60 तक शीट हो जाती है उसमें। मोटराइज मशीन होने के कारण प्रेशर ज़्यादा होता है, तो अगर मैनुअल कम काम करना है तो वो मैनुअल में ही हो जाएगा। हर मशीन है और आपके बजट के अनुसार है। इधर हम दिखाएंगे स्टिचिंग मशीन जिससे पिनअप होता है, आप देखे होंगे बहुत सारे वीडियो में हम लोग बनाए हुए हैं। और ये है स्टिचिंग मशीन, इसके बारे में बताएं थोड़ा। ये नोटबुक को स्टिचिंग करने के लिए होती है, सेंटर में पिन लगाने के लिए। जब आप पेपर को फोल्ड करके सेंटर में पिन लगी होती है वो इससे लगेगी। हाँ जी, इसके ऊपर यहाँ पे वायर का रोल लग जाएगा और ये ऑटोमेटिकली इसको कट करके जितना भी आपका पेज की थिकनेस है उसके हिसाब से ये सेटिंग होती है यहाँ पे वो करके, और आप उसमें पिन लगा सकते हो कॉपी में। पूरा सेटिंग किया जाता है, इंजीनियर जाते हैं आपके यहाँ जब इंस्टॉल करने के लिए तो आपको ट्रेनिंग सब दे के आते हैं। इस तरीके से अभी हम सोचे कि आप लोग को दिखाना चाहें, एक बार पिन लगा के भैया दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये काम करती है, देखिए। ये देख सकते हैं पिन लग के तैयार है। इधर देखिए, इधर से इस तरीके से आपके कॉपी में इसी मशीन से पिन लगाई जाती है। इसको बाद में जैसे आपने कॉपी में पिन लगा ली इसकी बैक स्क्वायर करने के लिए वो स्क्वायरिंग मशीन होती है। एज स्क्वायरिंग, ये जो पीछे वाला पोर्शन होता है ना उसको एज स्क्वायरिंग में जरूरत पड़ती है चौरस करने के लिए। और कौन कौन सी मशीनें हैं फटाफट बता दीजिए। इसके अलावा ये दाब प्रेस हो गए मैनुअल। दाब प्रेस भी बहुत सारे लोग खोजते हैं। दाब प्रेस जो है बीच से अगर कॉपी बनाया जाते हैं उस समय फोल्ड जो होता है उठा हुआ रहता है तो उसको दबाने के लिए ये सब दाब प्रेस मशीन है। इसको लेकर के देखिए, कॉपी की प्लांट ऐसी है जितना पैसा लगाएंगे उसी अनुसार जो है ना प्रोडक्शन भी आपका होता है। अगर आपके पास प्रोडक्शन स्लो है, कम है, डिमांड है तो ये सब मैनुअल मशीन लगा सकते हैं। दाब प्रेस के जगह पे आप एज स्क्वायरिंग लगाइए, स्पाइरल लगाइए तो ज़्यादा बेहतर है। 10-12 हज़ार कॉपी पर डे आप बनाएंगे, इस तरीके से काफ़ी स्टॉक है। बस हम आप लोग को ये दिखाना चाह रहे थे कि हम हेवी क्वालिटी के मशीन अपने पार्टनर द्वारा बनवाते हैं और काफ़ी ही क्वालिटी पे हम लोग ध्यान देते हैं। इधर अगर देखेंगे तो हमारे गोदाम में करीब करीब स्टिचिंग मैनुअल आप देखेंगे, बहुत सारे लोगों को पसंद आता है स्टिचिंग मशीन मैनुअल, तो मैनुअल भी मशीन है। हालांकि प्रोडक्शन थोड़ा सा स्लो हो जाता है, ऑटोमेटिक मशीन में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ऑटोमेटिक मशीन है स्पाइरल मशीन, इसे फाइल और कॉपी जो रिंग वाली होती है पूरी तरीके से तैयार करते हैं। क्या कहना चाहेंगे लास्टली हमारे व्यूअर को, मैंने सर बहुत क्या ध्यान देना चाहिए, मेन अनिवार्य इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है मशीनों में? इम्पोर्टेंट चीज़ तो सर देखिए क्वालिटी है। आप एक बार अगर पैसा खर्चोगे अच्छी चीज़ के लिए तो वो आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगा। अगर एक बार आपने थोड़ा सा गलती कर लिया चूक के
कि थोड़ा हल्की क्वालिटी में, तो फिर आपको दोबारा से लेना पड़ेगा, आपका इन्वेस्टमेंट बदल के ज़्यादा हो जाता है उसमें। बहुत सारे भाई लोग जो हैं रेट सुन करके सस्ता जान करके चले जाते हैं, हालांकि लास्टली वो ठगे जाते हैं। हाँ, मशीनें कम वजन आनी मिल जाती है, मशीन की क्वालिटी सही नहीं मिलती है। हाँ, तो इन सब बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इतना देर आपने टाइम दिया हमारे व्यूअर को, बताया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मशीन में बहुत सारी चीज़ ध्यान देना रहता है, मशीन की क्वालिटी पे आपको ध्यान रखना पड़ता है। हम बार बार कहते हैं कि हम ऐसी मशीन बनाते हैं जो दादा लगाए और पोता चलाए, इस पर हम लोग फोकस करते हैं। इसका मतलब साफ शब्दों में है कि मशीन की क्वालिटी अगर हमारा सही रहेगा तो आप जिंदगी भर के लिए हमारे साथ रिश्ता बन जाएगा। कम से कम आप कहीं भी जाएंगे तो ये कहेंगे भाई मशीनें आपको मगध मशीनरी ऐसा दिया जो ज़िंदगी भर चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप सब अपना सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर कोई बात वीडियो में छूट गई हो तो नीचे अपना सुझाव दें, हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा, किसी भी तरह से इंक्वायरी हो, अगर आप प्लांट लगाना चाहते हैं, किसी भी तरह की जानकारी लेना हो, मशीन की क्वालिटी के बारे में कुछ भी पूछना हो, तो आप डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।